राज्य सरकार ने सरना धर्म कोड को केंद्र को भेजा है, तो उस पर क्या क्या विचार है सर? चलो देखेंगे। झारखंड सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासियों का अलग धर्म कोड सरना कोड को अब तक मान्यता नहीं दिया है। झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्य के सभी आदिवासी अपने अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने सरना कोड को केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं किया है। यही सवाल जब बीजेपी के रांची लोकसभा सांसद संजय सेठ से पूछा गया तो सांसद ने बिना जवाब दिए देखा जाएगा कहकर निकल लिए। बीजेपी सांसद का चुप्पी क्या समझा जाए? क्या बीजेपी आदिवासियों को अलग धर्म कोड नहीं देना चाहता? सांसद संजय सेठ का चुप्पी पर आदिवासी समाज के वीरस्पति सिंह सरदार ने कहा है कि और भी कई समुदाय हैं जो आदिवासियों से भी कम जनसंख्या है पर उनको अलग धर्म कोड मिला हुआ है, पर आदिवासियों को अलग धर्म कोड क्यों नहीं मिलेगा? जो सरकार ने सरना धर्म कोड को केंद्र को भेजा है, तो उस पर क्या क्या विचार है सर? चलो देखेंगे। देखना नहीं सर, बोल दीजिए थोड़ा सा उस पर। तो देखा आपने हमारे सांसद जी हैं, कई सवाल बताए हैं, लेकिन सरना कोड पर अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। वे अभी ढोल नगाड़े बजाते हुए अभी जा रहे हैं इचागढ़ की ओर। अगर देखा जाए कि सरना धर्म कोड को कब तक लागू किया जाए। जोहार। आदिवासी धर्म कोड जब राज्य सरकार से भेजा है केंद्र सरकार को, तो हमारे यहाँ का प्रतिनिधि इस पर आज तक क्यों पहल नहीं किया जा रहा है? जब हमारे जब हर धर्म का एक कोड है, तो आदिवासी का धर्म कोड क्यों नहीं दिया जा रहा है? हालांकि धर्म कोड के नाम से जो सरना कोड के नाम से भेजा गया है, या जो भी आदिवासी के नाम से भेजा मांग कर रहा है भारत का सभी आदिवासी, आज जो हर धर्म का कम संख्या है उनका भी कोड मिला है भारत में, लेकिन आज तक हम लोगों का मूल निवासियों का आदिवासियों का धर्म कोड क्यों नहीं दिया जा रहा है? और इसमें जो संसद या प्रतिनिधि को पूछा जाता है, तो इस पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं दिया जाता है? इसको देना चाहिए, आदिवासी को धर्म कोड मिलना चाहिए, और हमारा यही मांग है कि आदिवासी को धर्म कोड मिले। मेरा नाम बृहस्पति सिंह सरदार।